हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा JAM vs DHA के बीच। फ्रेंड्स, मैच खेला जाएगा झारखंड T20 लीग का आज का पहला मैच। इसका मैं आपको टूर्नामेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाए। बात करते फ्रेंड्स इस मैच की, तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा वो मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि काफ़ी अच्छा विन कर सकते हैं। वेन्यू की बात करते फ्रेंड्स, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जहाँ की पिचेस ऑलमोस्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो इस बात का कोई ध्यान रखना। फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करते फ्रेंड्स 131 के आसपास रहने वाला, वहीं सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो तकरीबन 120 के आसपास रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब चलते अपने प्लेइंग 11 की तरफ। तो फ्रेंड्स, प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें से रिलेटिव कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल देगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं वर्क करता है तो आपको सिंपली करना क्या है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है XYZ867। जैसे आप इसे फिर से सर्च करेंगे तो आपको फैंटेसी गुरुजी का ऑफिशियल चैनल आपको दिख जाएगा, जिसमें कि अभी 1703 मेंबर ज्वाइन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें से रिलेटिव कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको हमारे ग्रुप पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग जो है बैट बॉल एप्लीकेशन पर खेलना चालू नहीं किया तो बैट बॉल एप्लीकेशन पर भी खेलना चालू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैंटेसी साइट है, क्योंकि खुद मैं इस एप्लीकेशन पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगर मेरी विनिंग की बात करते फिर 60 से 70 हज़ार प्लस में विन कर चुका सिर्फ इस IPL, यानी फिर तकरीबन IPL 4 या 5 मैचेस हुआ है, या बहुत ज़्यादा तो 6-7 मैचेस हुआ होगा, और उतने में वही 6-7 मैच में जो है तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का जो मैं विन कर चुका हूँ। अगर आप लोग भी चाहे विन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी ट्रैफिक कम है तो कंपटीशन आपको कम मिलेगा और यहाँ पे आपके विन करने के बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाएंगे। अगर आप लोग भी जो इस IPL कुछ विन करना चाहते हैं तो इस फैंटेसी साइट पर आ सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया, और साथ ही साथ जो है आप मेरे रेफर कोड जरूर से इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप मेरे रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा। साथ ही साथ आप फर्स्ट टाइम कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो उसका 100% का आपको कैशबैक मिलेगा, तो इस वजह से जो है आप मेरे रेफर कोड जरूर से इस्तेमाल कर लीजिएगा। बात करते फ्रेंड्स इसे DHA की प्लेइंग 11 की, तो देखिए आप इसे नजीम सदीक को ट्राई कर सकते हैं जो कि ओपन करेंगे, वहीं इनके साथ जो है वैसल सिंह ओपन करता नजर आएंगे। दोनों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिर देखिए नदीम सदीक जो है 19 मैचेस अपनी टीम के लिए खेले, जिसमें कि 437 रन बना के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 19 मैचेस में तकरीबन 20 के एवरेज से जो है 437 रन बनाए, प्लस अपनी टीम के लिए पार्ट टाइमिंग गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 2 विकेट भी निकाल के दिए। एक बात आपको ध्यान देना, फिर से ज़्यादा बॉलिंग करते हैं नहीं, तो अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई करें तो एज ए बैट्समैन के तौर पर ट्राई कीजिएगा। और एक बात आपको और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, देखिए इनको जो है अगर आप अपनी टीम में नॉर्मल ट्राई कीजिए तो आपके लिए बेस्ट होगा, ज़्यादा कैप्टन या वाइस कैप्टन देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखिए एक मैच में परफॉर्मेंस कर रहे तो दूसरे मैच में नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे, तो इस बात का कोई ध्यान रखना। वहीं वैशल सिंह की बात करते फिर 6 मैचेस के लिए, जिसमें कि 92 रन बनाए, प्लस अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाल के दिए, ये भी एक पार्ट टाइमर गेंदबाज है। अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई करें तो इनको भी जो है एज ए नॉर्मल के ही तौर पर लेके जाइएगा। बाकी देखिए बात करते हैं तो नंबर 3 पर आपको रिजवी खेलता नजरेंगे, 14 मैचेस के लिए, जिसमें कि 556 रन के आसपास स्कोर करके दिए। अगर आप इनका बैटिंग एवरेज देखेंगे तो फिर तकरीबन 35 के आसपास इनका बैटिंग एवरेज है। साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो 14 मैचेस में जो 22 विकेट निकाल के दिए, लेकिन फिर देखिए डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्मेंस किया। अगर आप इनका देखेंगे झारखंड T20 लीग में परफॉर्मेंस, तो उतना कोई खासा हो परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं सही से इनका टीम जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत ही लेट बैटिंग इनको लाया जा रहा है। साथ ही साथ बॉलिंग की बात करते हैं तो किसी मैच में इनको 2 ओवर, किसी मैच में 1 ओवर, यानी फ्रेंड्स पूरे 4 ओवर इनसे बॉलिंग नहीं करा रही, तो इस वजह से जो इनका परफॉर्मेंस उतना नहीं अच्छा हो पा रहा है। लेकिन अगर इनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग लाया जाएगा और साथ ही साथ 4 ओवर बॉलिंग दिया जाएगा तो हो सकता है कि आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। बाकी फिर बात करते हैं नंबर 4 की, तो सत्या सेतु को ट्राई कर सकते हैं 10 मैचेस के लिए, जिसमें कि 294 रन बनाए, प्लस अपनी टीम के लिए 5 विकेट निकाल के दिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। वहीं नंबर 5 भी आपको साहिल राज खेलते नजर आएंगे, 18 मैचेस के लिए, जिसमें कि 273 रन बनाए, प्लस अपनी टीम के लिए 5 विकेट निकाल के दिए। एक बात आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर रहे हैं, और मतलब बैटिंग से थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका डाउन है, लेकिन बॉलिंग से थोड़ा सा आपको कवर करके दे देते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 6 पर आपको कुशल सिंह खेलते नजर आएंगे, 13 मैचेस के लिए, जिसमें कि तकरीबन 20 एवरेज से 246 रन बना के दिए। साथ ही साथ बात करें तो 13 मैचेस में 17 विकेट निकाल के दिए, ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7 पे आपको शुभम सिंह खेलता नजर आएंगे, 18 मैचेस के लिए, जिसमें कि 273 रन बनाए, प्लस अपनी टीम के लिए 5 विकेट निकाल के दिए, ज़्यादातर मैच को फिनिश करता नजर आएंगे। अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई करें तो एज ए फिनिशर के ही तौर पर ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान दे रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप इनको लेके जा रहे हैं तो मैं आपको लूँगा कि ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए तो आपके लिए बेस्ट होगा।
नंबर 8 पे आपको वी जाना खेलता नजर आएंगे, तकरीबन 9 मैचेस खेले तो 287 रन बना के। फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा कि इनको भी अपनी टीम में ग्राइंडिंग में ट्राई कीजिए, स्मॉलिंग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स नंबर एक तो नंबर 8 पे बैटिंग करने आ रहे हैं और दूसरा फ्रेंड्स ये बॉलिंग नहीं करते, इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 9 पे आपको जय प्रकाश यादव खेलता नजर आएंगे, 12 मैचेस खेले जिसमें कि 12 विकेट निकाल के दिए। वहीं नंबर 10 पे आपको ई यादव खेलता नजर आएंगे, 12 मैचेस खेले जिसमें कि 15 विकेट निकाल के दिए। और नंबर 11 पे आपको चंदन कुमार खेलता नजर आएंगे जो कि 9 मैचेस खेले और 23 विकेट निकाल के दिए। बाकी देखिए बात करते हैं जेएएम की प्लेइंग 11 की, तो देखिए जेएएम की तरफ से वी कुमार और पप्पू सिंह ये दोनों ओपन करता नजर आएंगे। वी कुमार 4 मैचेस खेले जिसमें कि 91 रन बना के दिए। वहीं बात करते हैं पप्पू सिंह की, तो ये भी 4 मैचेस खेले जिसमें कि 91 रन बना के दिए। दोनों के बैटिंग एवरेज सेम है, दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपको आर्यन हुदा खेलता नजर आएंगे, 4 मैचेस के लिए जिसमें कि 70 रन बना के दिए। ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स, लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी टीम से अवॉइड भी कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट मैच में 45 रन बना के दिए लेकिन बाकी के 3 मैचेस में थोड़ा सा फ्लॉप रहते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना। नंबर 4 पे आपको जो सागर खेलता नजर आएंगे, 4 मैचेस के लिए 71 रन बना के दिए। ये भी ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपको साहिल खान खेलता नजर आएंगे, 4 मैचेस के लिए 36 रन बना के दिए। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे तो ट्राई कर सकते हैं, इस मॉलिंग में थोड़ा सा अवॉइड के जाइएगा। नंबर 6 पे जहाँ आपको अतुल सिंह खेलते नजर आएंगे, 4 मैचेस के लिए तकरीबन 29 रन बनाए प्लस अपनी टीम के लिए 5 विकेट निकाल के दिए। एवरेज प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करें, हो सकता है कि आज के मैच में ये थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आ जाए। वहीं नंबर 7 पे जो आपको राहुल प्रसाद खेलता नजर आएंगे, 4 मैचेस के लिए 3 विकेट निकाल के दिए। नंबर 8 पे आपको मिथुन कुमार खेलता नजर आएंगे जो कि 2 मैचेस के लिए 3 विकेट निकाल के दिए। नंबर 9 पे आपको अनिश कुमार खेलता नजर आएंगे, 4 मैचेस के लिए और 4 विकेट निकाल के दिए, ठीक ठाक प्लेयर। नंबर 10 पे आपको जे सिंह खेलता नजर आएंगे, 4 मैचेस के लिए जिसमें कि 6 विकेट निकाल के दिए। अगर आप इनका बॉलिंग एवरेज देखेंगे तो फिर ऑलमोस्ट जो है इनका इकोनॉमिक जो तकरीबन 6.5 के आसपास रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हर मतलब 2 मैच में जो 3 विकेट करके ये निकाल रहे हैं। वहीं नंबर 11 पे जो आपको ऋषु चौहान खेलता नजर आएंगे जो कि 1 मैच इसके लिए और 1 विकेट निकाल के दिए। तो फिर से दोनों टीमों का प्लेइंग 11 रहने वाला, अगर आप अपनी टीम बना रहे तो इन्हीं 22 प्लेयर में से किसी 11 को ट्राई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन टीम की तरफ। तो फिर ड्रीम इलेवन टीम की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं फिर से विकेट कीपर सेक्शन की, तो देखिए फिलहाल ऐसे में एन सदी को ट्राई करा बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, खास करके विकेट कीपर सेक्शन में। अगर आप भी अपनी टीम बना रहे थे मैं बोलूँगा कि इन्हों को ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि देखिए इनके अलावा आपके पास कोई सेफ ऑप्शन है भी नहीं। अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसा अगर या वी जाना में से किसी को ट्राई कर सकते, लेकिन वी जाना इस मैच में खेलेंगे नहीं। ऐसा अगर जो आपको खेलते नजर आएंगे थोड़ा लेट बैटिंग करने आते हैं, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दो विकेट कीपर को साथ जाना चाहते हैं आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। बाकी जी फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो फिलहाल इसमें 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ जिसमें कि सत्या सेतु सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले। वहीं बात करते हैं आप इसे आर खान को ट्राई कर सकते हो। वहीं लास्ट ऑप्शन की बात करें तो ऐसे विवेक कुमार को ट्राई कर सकते हो जो कि ओपन करते नजर आएंगे। फिलहाल मैं 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। ऑल्टरनेट सेक्शन की बात कर देते हैं, देखिए ए सिंह सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, साथ ही साथ वी सिंह को लेके जा सकते हैं। ये दो जो प्लेयर ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। एक बात आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जो के सिंह को अपनी टीम से ड्रॉप करूँ, देखिए इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी मेरे पास जो बॉलिंग सेक्शन में अच्छे खासे ऑप्शन है तो इस वजह से मैं के सिंह को ड्रॉप कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप के सिंह का परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए अगर 2 मैचेस को निकाल दिया जाए तो उससे पहले वाले 1-2 मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिए। फ्रेंड्स किसी मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किसी मैच में नहीं कर रहा, अभी तक ये तकरीबन 8 या 9 मैचेस खेले जिसमें कि सिर्फ 4 मैच में परफॉर्मेंस के, बाकी के 5 मैच में जो अपनी टीम के लिए फ्लॉप साबित हुए हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी फ्रेंड बात करते हैं वी सिंह को ट्राई कर सकते हैं, ठीक ठाक प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगभग हर मैच में जो तकरीबन 20 से 25 पॉइंट करके दे रहे हैं, तो इस वजह से जो मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। वहीं बात कर देते हैं आप इसे एस राज को लेके जा सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, बैटिंग बॉलिंग ये भी करके दे रहे हैं। अगर आप इनका देखेंगे तो कुछ मैचेस में फ्लॉप जरूर है लेकिन बहुत से मैचेस में अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी जी फिर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए यहाँ से आप जे सिंह को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे जय प्रकाश यादव को लेके जा सकते हैं। ये दो प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाले। जे सिंह की बात करते हैं तो लास्ट के 2 मैचेस में विकेट नहीं निकाल के दिए, लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे तो लगातार हर मैच में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट करके निकाल के दिए हैं। वही बात कर देता आप इसे जो है एस सिंह जूनियर को एस आर को ट्राई कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन की बात करें आप इसे ए यादव को ट्राई कर सकते हैं। ए यादव की बात करते फ्रेंड्स ये अभी तक अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो इस बात का आपको ध्यान देना। आप चाहे तो इनको अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो लगभग हर मैच में जो 1 विकेट ये कम से कम ले ही दे रहे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना।
बाकी जी फिर बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, जैसे में कैप्टन जो है सदीक को दे रहा, वही वाइस कैप्टन की बात कर देते हैं, ऐसे में ए यादव को वाइस कैप्टन दे रहा। हालांकि आप चाहे तो अपने हिसाब से जो है मतलब वाइस कैप्टन चेंज कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ए आपके पास वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ से ऐसराज को दे सकते हैं, वी सिंह को दे सकते हैं, या फिर आप किसी अदर्स ऑलराउंडर को बना सकते हैं, जयप्रकाश यादव को भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप कैप्टन भी आप यहाँ से ए यादव को बना सकते हैं। टीम प्रूव की बात करते हैं तो फिर दे सकते हैं, ये मेरा टीम प्रूव है, अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।